भीड़ जो इकट्ठा हुआ है ना सोलापुरी चादर लेने के लिए भाई, इसका भी टेस्ट काफी लाजवाब रेट के हिसाब से लिया गया, जबकि भैया बता रहे थे 100 रुपया। अजी क्या हाल चाल है आप सभी की। सो आज की जर्नी होने वाली है ट्रेन नंबर 11019 CSMT भुवनेश्वर कोणार्क एक्सप्रेस में, जो कि रोजाना CSMT रेलवे स्टेशन से दोपहर 2 बजे निकलती है और आपको अगले दिन रात 11:20 पर भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन पहुंचाती है। सो तो हम लोग जो है इस ट्रेन से लगभग 1930 किलोमीटर की दूरी तय करने वाले हैं 38 हॉल्ट के साथ लगभग 33 घंटा 20 मिनट में। अजी तो अब हम लोग आ चुके हैं प्लेटफॉर्म नंबर 17 पे और अपनी जो ट्रेन है ना कोणार्क एक्सप्रेस वो प्लेटफॉर्म नंबर 17 से ही निकलती है CSMT रेलवे स्टेशन से। और आज जो है हम लोग जो जर्नी है ना वो होने वाली थर्ड एसी कोच में, कोच है B5 और सीट है 54 अपर बर्थ। जी हाँ, अभी टाइम हो रहा है 1:32 और अपनी ट्रेन आ चुकी है प्लेटफॉर्म नंबर 17 पे। भाई ये रही अपनी सीट 54 अपर बर्थ। वैसे कोच जो है ना बिल्कुल नया है, नया LHB कोच अभी मिला है इस ट्रेन को, तो भाई एकदम चमचमाता हुआ कोच है तो साफ सफाई तो बढ़िया होगा ही, ठंडा होगा ना। थैंक यू। पहले हम लोग लोनावला रेलवे स्टेशन क्रॉस किए हैं, तो लोनावला रेलवे स्टेशन के बाद जो है ना पेंट्री के स्टाफ आते हैं और खाना का जो ऑर्डर है ना रात के डिनर का वो लेते हैं। तो इस ट्रेन में पेंट्री कोच है तो पेंट्री का बना हुआ गर्मा गर्म खाना आपको मिलेगा। आपको मिल जाएगा वेज थाली मिलेगा 100 की और अंडा थाली मिलेगा 110 का, चिकन थाली 130 का। तो चिकन थाली का तो रेट सही लिया जा रहा है 130, लेकिन वेज थाली का 80 प्राइस होता है भैया, 20 रुपये एक्स्ट्रा मिल रहा है। और एक थाली का प्राइस होता है 90, तो उसमें भैया 20 रुपये एक्स्ट्रा ले रहे हैं। अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 5वां हॉल्ट पुणे जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है PUNE और यहाँ पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। वैसे प्लेटफॉर्म यहाँ 6 है और अभी फिलहाल यहाँ 114 ट्रेन आकर रुकती है और इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1858 में। और पुणे जो है ना ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बनाना का, गुआवा का, साथ ही ऑटोमोबाइल का ना मैन्युफैक्चरिंग हब है, साथ ही IT हब भी है। CSMT में ट्रेन में बोर्ड किए, डायरेक्ट मुंबई आपको दिखा रहे हैं, बीच का स्टेशन हमने आपको नहीं दिखाया। इसके पीछे रीज़न ये है कि भाई 38 हॉल्ट है इस ट्रेन का, लगभग 33 घंटा का जर्नी है, जर्नी काफ़ी लंबी है। तो मेरा कोशिश रहता है ना कि एक ही पार्ट में आपको पूरा ब्लॉक दिखा, इस वजह से बीच का जो है ना स्टेशन हमने आपको नहीं दिखाया। वैसे करजत रेलवे स्टेशन पे इस ट्रेन का टेक्निकल हॉल था, वहाँ पर बैंकर लोगों को अटैच किया गया था और लोनावला में डिटैच किया गया था, क्योंकि करजत रेलवे स्टेशन के बाद ना घाट से स्टार्ट होता है, इस वजह से एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था हमने आपको दे दिया। ट्रेन में जो है ना दुकान सजा हुआ, ये देख
यहाँ से अभी दो ये ले जा रहे हैं, क्या कह सकते हैं, चकड़ी आयुष्मान के लिए और एक ट्विंकल के लिए। हम लोग आ चुके हैं इस ट्रेन का छठा हॉल्ट दौंद जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है DD और यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट है। और भाई दौंद आया है तो यहाँ का दौंद का दूध ना पिए ऐसा हो सकता है, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन ट्रेन सिर्फ 2 ही मिनट रुकेगी। चलिए चलते हैं, फटाफट लेते हैं। वैसे तो भाई इस स्टेशन को मुझे कवर नहीं करना था, लेकिन सिर्फ ये बटर मिल्क के कारण ना हमने दौंद रेलवे स्टेशन को कवर किया। लास्ट टाइम आए थे तो ये ट्राई किए थे, बहुत बढ़िया लगा था मुझे। और अगर आप इस रूट में जर्नी करते हैं ना तो दौंद रेलवे स्टेशन पे ये बटर मिल्क जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको पड़ेगा 30 रुपया का। तो अभी शाम के बज रहे हैं 8:50 और कुछ देर में हम लोग सोलापुर रेलवे स्टेशन पहुंचने वाले हैं। तो सोलापुर रेलवे स्टेशन से पहले ही आपको इस ट्रेन से पेंट्री का जो खाना आप जो ऑर्डर कीजिएगा, वेज थाली जो चाहे नॉन वेज थाली हो वो आपको मिल जाएगा। ये अपना वेज थाली आ चुका है, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ ये वेज थाली में क्या क्या है और इसका टेस्ट कैसा है। तो वेज थाली में आप देख सकते हैं ये है दाल, और भाई साहब दाल का थिकनेस काफ़ी बढ़िया है, और इसमें देखिए टमाटर वगैरह डाला हुआ है, धनिया का पत्ता है, जीरा वगैरह डाला हुआ है और बिल्कुल गर्म है ये। और ये है मिक्स वेज जिसमें आलू पड़वल और मतलब पटल और बीन्स की और मटर की सब्जी है ये, और सब्जी भी देखने में काफ़ी बढ़िया लग रहा है भाई। और ये आलू की भुजिया, साथ में राइस, 2 चपाती और एक मैंगो पिकल दिया गया है। तो ये है वेज थाली। तो थाली तो हमने आपको दिखा दिया, तो आप ट्राई करके बताते हैं आपको ये टेस्ट में कैसा है। सबसे पहले हम लोग दाल ट्राई करते हैं, देखने में तो भाई काफ़ी बढ़िया लग रहा था, और भाई टेस्ट में भी काफ़ी बढ़िया है। मिक्स वेज ट्राई करते हैं रोटी के साथ, रोटी गरम नहीं है, नॉर्मल रोटी है। मुझे लगता है ये रोटी बाहर से, अगर पेंट्री में बना होता तो इतना ठंडा रोटी नहीं होता, रोटी थोड़ा ठंडा है। दाल काफ़ी बढ़िया था, मिक्स वेज भाई इसका भी टेस्ट काफ़ी लाजवाब है, बढ़िया। अब आलू का भुजिया ट्राई करते हैं। वैसे आपके पास ऑप्शन होता है, अगर आप रोटी भी ले सकते हैं, चावल भी ले सकते हैं, अगर आप रोटी नहीं लीजिएगा तो एक्स्ट्रा चावल आपको दिया जाएगा। आलू का भुजिया बढ़िया, ये अच्छी बात है कि भाई साहब इस ट्रेन में रेल नीर मिल रहा है, नहीं तो क्या होता है कि दूसरी ट्रेन में लोकल पानी को बेचा जाता है, तो नहीं जब ट्रेनें बोर्ड कर रहे थे ना उसी वक्त स्टेशन पे चेकिंग हो रहा था, पता है लोकल पानी इसमें चढ़ा रहे थे बिसलेरी का, तो वहीं पे उतार दिया गया, तो फिर रेल नीर चढ़ाया गया इस पेंट्री में। भाई लगभग 455 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 7वां हॉल्ट सोलापुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है SUR और यहां पर इस ट्रेन का 5 मिनट का हॉल्ट है। और हम लोग ट्रेन यहां पहुंची है लगभग 20 मिनट डिले, और सोलापुर जो है ये महाराष्ट्र के सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। वैसे यहाँ 5 मिनट फॉर्म है, और अभी फिलहाल यहाँ 88 ट्रेन आकर रुकती है। और अभी जो हम लोगों ने पेंट्री से डिनर ट्राई किया, अगर मैं उसकी बात करूँ तो भाई खाना काफ़ी बढ़िया था, हल्का सा चावल ठंडा था, रोटी ठंडा था, लेकिन काफ़ी बढ़िया था, जैसे राजधानी में लोग जर्नी करते हैं ना 3:30 में, सेम वैसा ही क्वालिटी था, क्वांटिटी भी वैसा ही था, मतलब प्रीमियम ट्रेन जैसा खाना आपको इससे मिलेगा। अभी तो वेज थाली ट्राई किए हैं, कल अंडा थाली भी ट्राई करेंगे, चिकन थाली भी ट्राई करेंगे, फिर आपको बताएंगे भाई वो कैसा है। वैसे वेज थाली काफ़ी बढ़िया था, आप खा सकते हो उस ट्रेन का, ठीक है। वैसे सोलापुर हैंडलूम और पावरलूम इंडस्ट्री के लिए फेमस है, खासतौर पर यहाँ पर सोलापुरी चादर, वो भी आपको स्टेशन पर देखने को मिल जाएगा।
क्वालिटी कैसा होता है स्टेशन का वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन सोलापुरी चादर यहाँ का फेमस है और यहाँ पे आइसक्रीम भी बेचा जाता है सोलापुर रेलवे स्टेशन पे, वो भी काफी बढ़िया होता है, इसलिए ट्राई करते हैं। और यहाँ पे देखिए सोलापुरी चादर सभी लोग ले रहे हैं, 750 में 3 पीस दिया जा रहा है। सभी लोग जो है ना यहाँ भीड़ जो इकट्ठा हुआ है ना सोलापुरी चादर लेने के लिए। और भाई सोलापुर का ये पंजाबी बर्फी, हाँ हाँ मजा आ जाता है, 20 रुपये में आपको मिलेगा ये। चलिए अब सोते हैं और आपसे मिलते हैं अर्ली मॉर्निंग, तब तक के लिए गुड नाइट। मॉर्निंग गाइस, तो लगभग 1140 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 20वां हॉल्ट विजयवाड़ा जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BZA और यहां पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। और विजयवाड़ा जो है ये आता है आंध्र प्रदेश में, प्लेटफॉर्म यहां 10 हैं और अभी फिलहाल यहां रोजाना 339 ट्रेन आकर रुकती है। वैसे इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1888 में और विजयवाड़ा रेलवे स्टेशन टॉप 5 बिजिएस्ट रेलवे स्टेशन में इस स्टेशन का नाम आता है। वैसे ये जो रेलवे स्टेशन है ना ये A1 कैटेगरी का रेलवे स्टेशन है। अब तक का जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन का काफ़ी बढ़िया रहा, चाहे वो खाने की बात हो, चाहे वो वाशरूम का कंडीशन हो, चाहे वो कोच का कंडीशन हो, मतलब काफ़ी बढ़िया एक्सपीरियंस रहा है विजयवाड़ा तक। और मुझे लगता है पूरा जर्नी एक्सपीरियंस इस ट्रेन का अच्छा होने वाला है, क्योंकि भाई मैं देख रहा हूँ ना साफ सफाई एक नंबर, पेंटी का भी खाना जो था ना अच्छा ही था, मतलब खाने लायक था। वैसे ब्रेकफास्ट अभी हम लोगों ने नहीं किया है, देखते हैं विजयवाड़ा में कुछ मिल जाएगा तो बोलेंगे, लंच तो भाई पेंट्री का ही ट्राई करें। तो यहाँ से अभी हम लोगों ने लिया ये ओनियन समोसा, ये मुझे पड़ा 30 का 4, मिर्ची डाल दीजिएगा भाई, बिल्कुल गर्मा गर्म है भाई। ओनियन समोसा के साथ भिजिया का बटर मिल्क और क्या चाहिए, सुबह का ब्रेकफास्ट यही काम है। वैसे जब भी अगर अभी सूट से जर्नी करते हैं ना तो इधर का ना ओनियन समोसा जरूर ट्राई कीजिएगा। ये है ओनियन समोसा, वाह क्या मस्त लग रहा है। जर्नी ना बहुत ही यादगार हो गई है, क्योंकि एक पहली ऐसी जर्नी है मेरी जो कह सकते हैं एक तरह से म्यूजिकल जर्नी इसको, ठीक है। मतलब जब हम लोग मुंबई से बोर्ड किए थे तो एक फैमिली है, मतलब 30 लोगों का परिवार है, वो अभी सब जा रहे हैं घूमने के लिए भुवनेश्वर, वो कोणार्क सन टेम्पल विजिट करेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे पूरी जाएंगे, पूरी फैमिली विजिट कर रहे हैं और पूरी जर्नी में भाई मज़ा आया, भजन सुन सुन के इतना आनंद आ रहा है, कुछ यही मत।
भाई प्यारा सा भजन के बाद ये रहा प्रसाद, जिसमें ये चॉकलेट है, किशमिश है, काजू है। दोपहर के बज रहे हैं एक और अपना लंच आ चुका है पेंट्री से बना हुआ गर्मा गर्म। रात हम लोगों ने ट्राई किया था वेज थाली, तो अभी जो है हम लोग ट्राई कर रहे हैं अंडा थाली। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ अंडा थाली कैसा है, गुरनाथ एक्सप्रेस के पेंट्री का बना हुआ, वैसे गर्मा गर्म है। चलिए दिखा दें आपको। ये है दाल और दाल का थिकनेस देखिए बहुत बढ़िया है दाल। ये रहा दाल जिसमें जीरा वगैरह डाला गया है। और ये है मिक्स वेज, और मिक्स वेज में जो है आलू और चने की काबुली चना का मिक्स वेज है। और साथ ही ये राइस दिया गया है, और राइस जो है वो भी गरम है। और ये देखिए दो अंडा दिया गया है, ये दो अंडा है, और साथ में ये चपाती दिया गया है, दो रोटी है। अंडा नंबर है, बिल्कुल फ्रेश है और टेस्ट काफ़ी बढ़िया है भाई। अंडा की ग्रेवी का, सब्जी बढ़िया, दाल भी बढ़िया और अंडा भी बढ़िया। चौदह सौ नब्बे किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 29वां हॉल्ट विशाखापट्टनम जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है VSKP। और यहां पर इस ट्रेन का 20 मिनट का हॉल्ट है, और 20 मिनट का हॉल्ट इसलिए है क्योंकि यहां पे लोगों को किया जाएगा रिवर्स। पूरी ट्रेन जर्नी में दो जगह लोगों को रिवर्स किया जाता है, एक तो विजयवाड़ा में और दूसरा विशाखापट्टनम में। वैसे यहाँ प्लेटफॉर्म 8 है, और अभी फिलहाल यहाँ 166 ट्रेन आकर रुकती है। अभी हम लोगों ने जो लंच ट्राई किया पेंट्री का बना हुआ, भाई सच बता रहे हैं इस ट्रेन का पेंट्री का खाना बहुत बढ़िया है, आप ट्राई कर सकते हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ लोको रिवर्सल, विशाखापट्टनम का WAP-7 ये लोकोमोटिव। विशाखापट्टनम में अपने फैमिली मेंबर मिले हैं, वो क्या है ना कि इस ट्रेन में वो भी जर्नी कर रहे हैं A1 में कर रहे हैं। अभी क्या है कि अभी हम रील बना के डाले इंस्टाग्राम पे, अभी जस्ट ही पोस्ट किए थे, इसलिए कहते हैं इंस्टाग्राम पे फॉलो किए, तो इनको पता चल गया कि अरे भैया इसी ट्रेन में जर्नी कर रहे हैं। तो अभी विशाखापट्टनम में ट्रेन का 20 मिनट का हॉल्ट है, अभी बाहर निकले थे आप लोगों से बातचीत करने के लिए, तो अपने फैमिली मेंबर मिल गए, मुलाकात हुई इनसे। वैसे क्या नाम हुआ भाई? चंद्रशेखर नाम हुआ। वीडियो कैसा रहता है? बहुत फर्स्ट क्लास है, एकदम जबरदस्त। और कहाँ से हो? छत्तीसगढ़ से हैं ये, और मिलकर काफ़ी इनको काफ़ी अच्छा लगा। ये पढ़ाई कटक में पढ़ाई करते हैं? हाँ कटक में पढ़ाई करते हैं। चलिए अपने फैमिली मेम्बर मिले हैं तो थोड़ा बातचीत करते हैं इससे, फिर आपसे मिलते हैं।
के बज रहे हैं 6 और अब तक जो है हम लोग इस ट्रेन में 28 घंटे का सफर पूरा कर चुके हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कोणार्क एक्सप्रेस का वॉशरूम में। और देखिए वॉशरूम का कंडीशन भाई इस ट्रेन का काफी बढ़िया है, मतलब 28 घंटा का जर्नी हो चुका है लेकिन टाइम टू टाइम साफ सफाई का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, चाहे वो कोच हो चाहे वॉशरूम हो, वो भी HSS स्टाफ आ रहे हैं और अच्छे तरीके से मतलब वॉशरूम की साफ सफाई की जा रही है। देखिए मिरर पूरा साफ दिख रहा होगा आपको, ऊपर ये देखिए लाइट जल रहा है और ये बेसिन देखिए इसका भी साफ सफाई आप देख सकते हैं। इसमें लिक्विड सोप रखा हुआ है, ऐसा नहीं है कि कभी पानी का प्रॉब्लम हुआ हो पूरी जर्नी में या लिक्विड सोप नहीं हो, पूरी जर्नी आप देख सकते हैं। देखिए अगर खत्म हो रहा है लिक्विड सोप तो फिर दोबारा डाला जा रहा है। और नीचे का आप साफ सफाई देख लीजिए, ये देखिए भाई इस ट्रेन की ना साफ सफाई से भाई मैं तो बिल्कुल खुश हो गया हूँ भाई, मतलब ऐसा होना चाहिए। ऐसा कीजिए 2 पकौड़ा दीजिए, आलू पकौड़ा 2 मिर्ची पकौड़ा, कितने का होगा? एंट्री से बना हुआ गर्मा गर्म ये देखिए आलू पकौड़ा हम लोगों ने लिया है और साथ में ये मिर्च पकौड़ा, ये साइज देखिए मिर्च पकौड़ा, ये 30 का मुझे पड़ा, ये 3 है। तो चलिए ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसा है ये आलू पकौड़ा। वैसे ही देखिए आलू पकौड़ा के साथ ये मिर्च पकौड़ा तो है ही और ये दिया गया है टोमेटो केचप और एक हरी मिर्ची दी गई है। सही है यार, बढ़िया। आलू पकौड़ा तो मस्त है भाई, और मिर्च पकौड़ा ट्राई करते हैं। ये भी सही है भाई, ये थोड़ा ठंडा हो गया क्योंकि शायद 1 घंटा पहले बनाया गया, वैसे इतना ठंडा हो गया लेकिन टेस्ट इसका बढ़िया है। किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद अब हम लोग पहुंच चुके हैं इस ट्रेन का 35वां हॉल्ट ब्रह्मपुर जंक्शन, जिसका स्टेशन कोड है BAM और यहां पर इस ट्रेन का 10 मिनट का हॉल्ट है। ब्रह्मपुर जो है ये आता है उड़ीसा में, प्लेटफॉर्म यहां 4 है और अभी फिलहाल यहां रोजाना 130 ट्रेन आकर रुकती है। वैसे इस स्टेशन को ओपन किया गया था 1896 में। तो चलिए मैं आपको इस ट्रेन की कोच कंपोजिशन और फेयर के बारे में बता दूँ। तो कोणार्क एक्सप्रेस जो है ना 2 जनरल क्लास, 9 स्लीपर क्लास, 6 थर्ड एसी और 2 सेकेंड एसी कोच के साथ चलती है, साथ में एक पेंट्री कोच के साथ चलती है। अगर मैं फेयर की बात करूं तो अगर आप CSMT से भुवनेश्वर जर्नी कीजिएगा स्लीपर क्लास में तो उसका फेयर आपको पड़ेगा 740 रुपया। अगर आप थर्ड एसी में जर्नी कीजिएगा, इसमें मैं जर्नी कर रहा हूं CSMT से भुवनेश्वर, तो उसका फेयर आपको पड़ेगा 1970 रुपया। और यहां पे मतलब ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन पे अपने ट्रेन के मैक्सिमम पैसेंजर डिबोर्ड हो गए। सो गाइस अभी शाम के बज रहे हैं 8:40, तो आज दूसरा दिन है, दूसरा दिन का डिनर हम लोग कर रहे हैं रात का। तो डिनर जो है ना दूसरे दिन का आपको ब्रह्मपुर रेलवे स्टेशन के बाद सबको सर्व कर दिया जाता है। तो अभी जो है हम लोगों ने लिया है चिकन थाली, वेज थाली ट्राई कर ली, एक थाली ट्राई कर ली, अभी ट्राई कर लेंगे चिकन थाली पेंट्री का बना हुआ। वैसे एक चीज़ है इस ट्रेन में भाई, रेल लीर आपको मिलेगा, दूसरे ट्रेन में कैसा हिसाब रहता है आपको पता ही है लोकल पानी का, लेकिन इस ट्रेन में वैसा नहीं है, रेल लीर आपको मिलेगा प्रॉपर। चलिए चिकन थाली मैं आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद टेस्ट जो है ना मैं लास्ट में बताऊंगा। तो भाई ये है चिकन थाली, इसमें आप देखिए आपको मिलेगा ये दाल, और दाल जैसे कल था, जैसे दोपहर में था मतलब लंच जो किए थे तब, और अभी डिनर सेम वैसा ही दाल है, मतलब बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, थिकनेस अच्छा है इसका। और ये चिकन में 2 पीस दिया गया है, चिकन का पीस देखिए, ये 2 पीस चिकन है और इसका ये ग्रेवी, साथ में राइस दिया गया है और टॉप्स का पिकल दिया गया है, मिक्स पिकल, और ये रोटी दिया गया है। वह अपना खाना पीना हो चुका है और इस ट्रेन का खाना ना मतलब पेंट्री का बना हुआ खाना काफ़ी बढ़िया, आप ट्राई कर सकते हैं, चाहे वो वेज थाली हो, चाहे चिकन थाली हो, चाहे वो अंडा थाली। तो आपको पता ही है खाना खाने के बाद, चाहे हम पेंट्री का खाना खा लेते हैं चाहे साइड पेंट्री से लेते हैं, तो फिर क्या है ना कि बिल तो हम लेते ही हैं। तो बिल आ चुका है अपना, ये रहा बिल, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कितने का बिल आया है। हाँ जी, तो ये रहा इस ट्रेन का बिल, लेकिन यहाँ पर ट्रेन नंबर दिया गया ऊपर में 11019, मैनेजर का नाम है S कुमार। वेज मील हम लोगों ने खाया था पहला दिन, तो उसका ये देखिए 80 रुपये के रेट के हिसाब से लिया गया, जबकि भैया बता रहे थे 100 रुपया। अंडा थाली का बता रहे थे 110 रुपया, तो हम लोगों ने 2 अंडा थाली लिया था, तो 90 रुपये के हिसाब से ये लगाए हैं, 102 थाली का हो गया 180 रुपया। चिकन थाली बता रहे थे 130 का, तो वो भी सही है, इसका रेट सही है। ये दोनों रेट जो आप देख रहे हैं ना, वेज मील
और अंडा थाली, ठीक है। इसमें 20 रुपया एक्स्ट्रा वो मांग रहे थे, तो अदर पैसेंजर से भी लिए भी हैं, लेकिन हम बिल लिए तो हमको वो रेट नहीं पड़ा, जो IRCTC का जो रेट है उसी रेट के हिसाब से हमको देना पड़ा। इसलिए आप भी जब जर्नी करें तो ध्यान रखें बिल जो है वो ले, ताकि आपको सही रेट में खाना मिले। और ये देखिए आलू भुजिया देख रहे हैं ना भाई साहब, ये 4 आलू भुजिया एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, जबकि वेज थाली में जो आलू भुजिया दिया जाता है ना, तो उसका ये 4 ऐड करके 20 के हिसाब से 80 रुपये एक्स्ट्रा भैया ले रहे थे। हम बोले भाई ये आलू भुजिया कहाँ से एक्स्ट्रा आ गया, तो बोले कि भैया वो थाली में जो रहता है ना वेज थाली में भुजिया, उसका एक्स्ट्रा पैसा लिया जाता है। बोले अच्छा ये कब से होने लगा, जब हमने बोला तब जाकर भैया ने बोला ठीक है ये आलू भुजिया गलती से हो गया, इसको मत दीजिए और बाकी का पैसा दे दीजिए। तो बाकी का पैसा हम लोग का हुआ 600 का, ठीक है, मेरे हिसाब से IRCTC के रेट के हिसाब से 600 का बिल हुआ। वैसे अगर बिल नहीं लेते तो आपको यही चीज़ आपको पड़ता 680 का। तो फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं भुवनेश्वर, और ट्रेन जो है हम लोग यहाँ पहुँचाई है 10 मिनट डिले। इससे आपको इस ट्रेन की पंक्चुअलिटी के बारे में पता चल गया होगा कि ये ट्रेन कितनी पंक्चुअल है। वैसे अगर मैं साफ़ सफाई की बात करूँ ना इस ट्रेन का, तो भाई साफ़ सफाई इस ट्रेन का 1 नंबर है, 10 में से 10 नंबर हम देना चाहेंगे। और इसके पीछे क्या रीज़न है वो मुझे नहीं पता, शायद 3rd AC का कोच जिसमें हम जर्नी कर रहे थे वो कोच नया था इस वजह से या जो भी हो, लेकिन एक चीज़ हम देख रहे थे जो स्टाफ है ना स्टाफ वो टाइम टू टाइम साफ़ सफाई कर रहे थे, चाहे वो कोच का हो चाहे वो वॉशरूम का हो। इससे मुझे लगता है ना कि मतलब इस ट्रेन का ना मेंटेनेंस काफ़ी बढ़िया है, हो सकता है स्लीपर का भी साफ सफाई इस ट्रेन में आपको देखने को मिले। वैसे अगर मैं खाने की बात करूँ ना, तो पेंट्री का बना हुआ खाना इस ट्रेन में आपको अच्छा ही मिलेगा, खाना बहुत बढ़िया था, आप ट्राई कर सकते हैं। तो चलिए आज की जर्नी को ही लास्ट करते हैं। और हाँ, अगर आप इस ट्रेन में अपने जर्नी किया है तो हमने आपको जो दिखाया आज कितना सही दिखाया, कितना सही बताया, तो आपको पता होगा ही। अगर आप इन फ्यूचर इस ट्रेन में जर्नी कीजिएगा तो आपको ही पता चल जाएगा कि मोनू भाई ने जो दिखाया जो बताया इस ट्रेन के बारे में कितना सही था कितना गलत था। चलिए आज की जर्नी को यहीं लास्ट करते हैं, मिलते हैं अगले जर्नी में। तब तक अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें, हंसते रहें मुस्कुराते रहें और लगातार इस तरह बाइक के साथ जर्नी करते रहें। सी यू सून, दिल में पीस बाय, और हाँ प्यार करते हैं आपसे, लव यू।